सरकारी विभाग हैं, धीरे धीरे करके सरकार उनको एक एक करके प्राइवेट कर रही है। अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी का कॉलेज का मामला है सर कि उनको लोन देगी सरकार। लोन का मामला ये है कि अगर लोन देगी यूनिवर्सिटी कॉलेज को तो वो चुकाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पहले ग्रांट मिलता था, अगर इस तरीके से लोन मिलेगा तो छात्रों पे बर्डन पड़ेगा सर, छात्रों की फीस बढ़ाई जाएगी, उनकी स्कॉलरशिप घटाई जाएगी, उनकी सुविधाएं कम की जाएगी, वहाँ पे जो प्रशासन है वहाँ पे ठेकेदारी पे रखा जाएगा सर। तो आज का जो हमारा उद्देश्य था रैली के माध्यम से कि हमारा जो रोजगार का अधिकार है, हमें रोजगार चाहिए। आज पूरे हरियाणा में 25 लाख के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं सर जो बेरोजगार होंगे, और सरकार ये है कि दिन प्रतिदिन सभी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। तो आपके माध्यम से, एसडी महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं सर कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी की जाए जल्द से जल्द। अरे आज क्रांतिकारी युवा संगठन ने जो देश में और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर आज प्रदर्शन किया था, और केएम कॉलेज से शुरू होकर हम यहाँ एसडीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे राष्ट्रपति के नाम। हमारी मुख्य डिमांड तो यही है कि ये जो ओवर एज हो चुके हैं 2 साल से कोरोना की वजह से, उनको आने वाली भर्तियों में छूट दी जाए। दूसरा, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में जितने पद खाली है उनको भरा जाए, और साथ में जो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन और ठेका प्रथा सरकारी डिपार्टमेंट्स में की जा रही है उसको बंद किया जाए, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस और एक वार्षिक कैलेंडर शुरू किया जाए ताकि लोग बच्चों को आसानी हो पढ़ने में और अपनाए तैयारी करने में। तो इन डिमांड्स को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था और प्रदर्शन किया था। देखिए, मांग नहीं पूरी हुई तो हम इस आंदोलन को आज एक नरवाने में जो शुरू किया है हम राज्यव्यापी से बनाएंगे और देशव्यापी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गांव-गांव में जाकर, लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से रोजगार के क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। इसके लिए हमें एक रोजगार रैली के तहत गांव-गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और एक राज्यव्यापी पंचकूला या चंडीगढ़ में जाकर प्रदर्शन करेंगे अगर सरकारी निजीकरण को नहीं रोकती है तो।